हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दीपावली के दिन से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन से नहीं, बल्कि दीपावली के उन 5 दिनों से है जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। दीपावली के 5 दिनों में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, पूजा की जाती है, लेकिन इन उपायों के साथ ही कुछ सावधानियां भी ज़रूर बरतनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो ये हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये कार्य। सबसे पहली चीज़, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं वो लोग सुबह देर से ही उठते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष मेरी ये बात है कि वो दीपावली के 5 दिन शुभ मुहूर्त में उठें, सूर्य उदय से पहले उठें। सूर्यास्त के बाद तक अगर वो सोते रहेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होगी। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान ना करें। दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में कोई अधार्मिक काम ना करें। माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती और दरिद्रता बनी रहती है। किसी को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। घर में गंदगी ना रखें। दीपावली पर घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का कोना कोना एकदम साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बदबू घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। सफाई के साथ ही घर को महकाने के लिए सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। क्रोध ना करें। दीपावली पर क्रोध नहीं करना चाहिए और चिल्लाना तो बहुत ही अशुभ माना गया है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या ज़ोर से चिल्लाते हैं उन्हें लक्ष्मी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती। घर में शांत, सुखद एवं पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। लक्ष्मी जी ऐसे घरों में ही निवास करती हैं जहाँ पर शांति होती है। शाम के समय ना सोएं। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दिन में या शाम के समय सोना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है तो वो दिन में या शाम को सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को दिन में या शाम को नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग ऐसे समय में सोते हैं वो निर्धन बने रहते हैं। वाद विवाद ना करें। इन दिनों में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी प्रकार का कलह या झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर के सभी सदस्य प्रेम से रहें और खुशी का माहौल बनाकर रखें। जिन घरों में झगड़ा या कलह होता है वहाँ देवी की कृपा नहीं होती। घर के साथ ही बाहर भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें। नशा न करें। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वो हमेशा दरिद्र रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग हो सकती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इससे बचना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद हो सकते हैं और लक्ष्मी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि दीपावली के उन 5 दिनों में आपको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।